वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन सीजन 2 एपिसोड 8। तो यार एपिसोड 8 वहीं से शुरू हुआ है जहां एपिसोड 7 एंड हुआ था। अमाने शर्टलेस है और माहिरू एंड अमाने ने एक दूसरे को हग किया है। माहिरू स्लोली अमाने के बॉडी को टच कर रही है एंड माहिरू का कहना है कि आज तक उसने कभी भी किसी लड़के के बॉडी को टच नहीं किया है। एंड अमाने खुश है कि उसका वर्कआउट काम आया और अब उसकी फिजिक पहले से बेटर है। साथ ही अमाने माहिरू से कहता है कि तुम्हें जितना दिल करे उतना टच कर सकती हो, बट ज्यादा नहीं तो यार मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा एंड कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। ये सुनने के बाद माहिरू अमाने की तरफ बहुत स्वीटली देखती है और अमाने नहीं चाहता है कि माहिरू अनकंफर्टेबल फील करे, इसलिए अमाने माहिरू से मजाक में कहता है कि तुम काफी देर से मुझे टच कर रही हो तो अब मेरी बारी। अमाने बहुत प्यार से माहिरू का वेस्ट टच करता है, बट यार माहिरू बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इसलिए अमाने को लग रहा है कि इससे माहिरू कहीं गुस्सा ना हो जाए। लेकिन यार माहिरू गुस्सा नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा ब्लश कर रही है और माहिरू कहती है कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे छूते हो अमाने कुन, लेकिन मैं सेंसिटिव हूं तो यार प्लीज मुझे टिकल मत करना। ये सुनने के बाद अमाने का चेहरा पूरी लाल हो चुका है और माहिरू के वर्ड्स, माहिरू के एक्सप्रेशन, माहिरू के आईज, माहिरू का पोस्चर, माहिरू की हर एक चीज अमाने को अनकंफर्टेबल फील करा रही है। अमाने माहिरू की आंखों में देखता है लेकिन माहिरू की आंखों में कोई वार्निंग नहीं है बल्कि माहिरू की आंखों में सिर्फ और सिर्फ अमाने के लिए प्यार और मासूमियत है। इसलिए अमाने माहिरू से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें सच में छू सकता हूँ। माहिरू जवाब देती है, क्यों नहीं, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि तुम मुझे छू सकते हो और वैसे भी मैंने पहले तुम्हें छुआ था तो तुम भी मुझे छू सकते हो। अमाने को लग रहा है कि माहिरू इस सिचुएशन को समझ नहीं रही है इसलिए वो ऐसे कह रही है, इसलिए अमाने एक बार और कंफर्म करने के लिए पूछता है। और ये सुनने के बाद माहिरू कई बार अपनी आंखें ब्लिंक करती है और वो पहले से और ज्यादा ब्लश कर रही है, बट यार अमाने अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है एंड माहिरू को भी नहीं समझ आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए माहिरू कहती है कि ठीक है तब इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। और ये सुनने के बाद अमाने खुद को पीछे कर लेता है और माहिरू से माफी मांगता है और कहता है कि शायद अगर मैं केयरफुल नहीं रहता तो मे बी आज मैं हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता। एंड आई नो तुम समझ रहे हो कि अमाने कहना क्या चाह रहा है। और अमाने बहुत प्यार से माहिरू के सिर पर हाथ रखता है और कहता है मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ तो प्लीज मेरे तरफ ध्यान दिया करो। और माहिरू बहुत धीमी और साई वॉइस में कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और यार इस इंसिडेंट के बाद हमें बताया जाता है कि इन दोनों के रिलेशनशिप को एक मंथ से ज्यादा टाइम हो चुका है और अब तक अमाने ने माहिरू को किस तक नहीं किया है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कैसे माहिरू के और करीब आए। अमाने अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहा है बट अमाने को डर है कि कहीं माहिरू उसे रिजेक्ट न कर दे या फिर इस हरकत के वजह से माहिरू हर्ट ना हो जाए। और यार अगर ऐसा होगा तो अमाने सच में खुद को माफ नहीं कर पाएगा। अमाने सोच रहा है कि आखिर कैसे वो माहिरू को टच करे। अभी अमाने ये सोच ही रहा था कि माहिरू अमाने के लुक से ये समझ गई कि अमाने किसी चीज को लेकर परेशान है, इसलिए माहिरू अमाने से पूछती है कि क्या हुआ, बट अमाने को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे माहिरू को वो ये सारी बातें बताए। इसलिए अमाने बहुत धीमी आवाज में कहता है कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे ही कैजुअली छू सकूं। और यार इसे सुनने के बाद माहिरू को कुछ दिन पहले की सारी बातें याद आने लगी, जिसे याद करके माहिरू का रिएक्शन थोड़ा फनी है, बट अमाने कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं कुछ अजीब नहीं करने वाला। माहिरू जवाब देती है मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है और मुझे नहीं पता है कि मुझे साई फील करना चाहिए कि नहीं, बट हाँ मुझे थोड़ी तो एक्सपेक्टेशन है। अमाने कंफ्यूज है कि माहिरू उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। माहिरू जवाब देती है अ किस या फिर कुछ और। और साथ ही माहिरू ये भी कहती है कि मुझे पता है अमाने कुन तुम मुझे बहुत पसंद करते हो और मुझे ट्रेजर की तरह संभाल कर रखना चाहते हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे और थोड़ा प्यार करना चाहिए। और यार अमाने को माहिरू की ये सारी बातें बहुत क्यूट लग रही हैं। और जैसे ही माहिरू कहती है कि अमाने कुन तुमसे इस तरह प्यार पाना मेरे लिए बड़ी चीज है और माहिरू एक बहुत स्वीट स्माइल देती है, अमाने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और बहुत प्यार से उसने माहिरू के चिक पे किस कर दिया। अमाने को फील हो रहा है कि माहिरू की चिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और यार जैसा कि तुम्हें पता ही है कि अमाने को हमेशा यही डर रहता है कि उसके किसी स्टेप से माहिरू को बुरा न लग जाए, इसलिए अमाने माहिरू से पूछता है मैंने तुम्हारे चिक पर किस किया, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बट माहिरू का चेहरा पूरी तरह रेड हो चुका है और साथ ही उसके फेस पर एक बहुत प्यारी और हैप्पी स्माइल है। माहिरू ये भी कहती है कि जब मैंने तुम्हें परमिशन दिया तब तुमने तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और माहिरू ये भी कहती है कि आखिर कैसे मैं अपने लवर के किस को हेट कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद अमाने ने फिर से माहिरू को गले लगा लिया और अब अमाने माहिरू को हग कर रहा है और साथ ही वो माहिरू के सॉफ्ट बॉडी को फील कर सकता है। लेकिन यार अमाने को लग रहा है कि अगर वो नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा तो मे बी माहिरू को ये पसंद ना आए। हालांकि माहिरू उसे रोकेगी नहीं बट फिर भी अमाने नहीं चाहता है कि वो माहिरू को हर्ट करे, बट स्टिल एट द एंड अमाने गेव अ लव बाइट। और यार इस इंसिडेंट के बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली समर वेकेशन शुरू हो चुका है एंड यार सिंस समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है इसलिए तुस्की बहुत ज्यादा खुश है और चिल्लाता है फाइनली समर वेकेशन शुरू हो चुका है। अमाने उससे पूछ रहा है कि आखिर तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो। तुस्की जवाब देता है यार ये नर्क से निकल कर स्वर्ग जाने की खुशी है। और साथ ही तुस्की अमाने से ये भी कहता है कि क्या ये अच्छी चीज नहीं है कि अब तुम माहिरू के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे और साथ ही पहले से और
और ज्यादा माहिरू को प्यार भी कर सकते हो। अमाने मन में सोच रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों 24 घंटे प्यार करते हैं, बल्कि जब ये दोनों साथ रहते हैं तो मेनली होमवर्क करते हैं या फिर स्टडी और साथ ही कुछ घर का काम भी। और यार जैसा कि माहिरू शुरू से ही अपने हेल्थ और ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए मेहनत करती है, इसलिए अब अमाने भी माहिरू के साथ रनिंग और एक्सरसाइज के लिए जाता है। और यार अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि इतुस की अमाने को फिर से याद दिलाता है कि इन दोनों को स्कूल में थोड़ा कम फ्लर्ट करना चाहिए। बट यार तुम्हें तो पता ही है कि अमाने के हिसाब से ये दोनों स्कूल में ज्यादा फ्लर्ट नहीं करते हैं, इसलिए इतुस की ये सेम चीज चितोसे से भी पूछता है। और चितोसे का भी कहना है कि माहिरू और अमाने को फ्लर्ट करते देख के उसे थोड़ा साई फील होता है, और कादोबाकी का भी कुछ ऐसा ही कहना है। बट हाँ, सिंस अब दोनों स्कूल में एक कपल की तरह रहते हैं, इसलिए बाकी स्टूडेंट अब अमाने को पहले के कंपैरिजन कम परेशान कर रहे हैं। एंड माहिरू के भी आंखों में अमाने के लिए प्यार साफ दिखता है, इसलिए बाकी लड़कों ने भी हार मान लिया है। एंड उसके बाद सब बात कर रहे हैं कि माहिरू को कभी गुस्सा नहीं आता है या फिर उसे कभी गुस्से में नहीं देखा है, इसलिए चितोसे अमाने से कहती है कि क्या तुम माहिरू को गुस्सा दिला सकते हो। एंड यार जाहिर सी बात है, अमाने कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे माहिरू को गुस्सा आए। बट फिर भी अमाने चितोसे से पूछता है, मैं माहिरू को कैसे गुस्सा दिला सकता हूँ। चितोसे जवाब देती है, तुम उसे चीट कर सकते हो, जो कि यार अमाने बिल्कुल नहीं करने वाला है। यहाँ तक कि इस चीज के बारे में अमाने सपने में भी नहीं सोच सकता है। एंड अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि अमाने चितोसे से कहता है, तुम ऐसे मत बिहेव करो कि तुम दोनों ने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि यार चितोसे और इतुस की 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अमाने और माहिरू से ये दोनों बहुत आगे निकल चुके हैं। एंड इतुस की भी अमाने को अपना एक्सपीरियंस बताता रहता है, इसलिए अमाने के लिए ये कुछ सरप्राइज नहीं है। बट हाँ, अमाने थोड़ा साई फील कर रहा है। अमाने ये भी कहता है कि इन चीजों में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। और यार हालांकि अभी तक अमाने और माहिरू ने किस तक नहीं किया है, बट अमाने इन सब चीजों में जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा है और इसे स्टेप बाय स्टेप ले जाना चाह रहा है। एंड ये सब कहने के बाद जैसे ही अमाने माहिरू की आंखों में देखता है, माहिरू और ज्यादा ब्लश करने लगती है, क्योंकि यार चितोसे भी अपना एक्सपीरियंस माहिरू को बताती रहती है, जिससे लग रहा है कि अमाने और माहिरू सेम चीजों के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए ये दोनों और ज्यादा ब्लश कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अमाने और माहिरू डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर कब ये दोनों अमाने के होम टाउन जाएंगे, क्योंकि यार अगस्त में अमाने के होम टाउन में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जिसका नाम है ओबोन फेस्टिवल। एंड अमाने हर साल इस फेस्टिवल को अटेंड करता है, और इस साल अमाने माहिरू के साथ फेस्टिवल को एंजॉय करना चाह रहा है, इसलिए अमाने माहिरू का लगेज पहले ही अपने होम टाउन भिजवा देगा। और यार ये सारी चीजें उसने अपनी मदर को भी इन्फॉर्म कर दिया है। और यार तुम्हें तो पता ही है कि अमाने की मदर माहिरू को कितना ज्यादा पसंद करती हैं, और वो सच में माहिरू को अपने रियल डॉटर की तरह ट्रीट करती हैं। एंड यार माहिरू को भी ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और अब दोनों सोच रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप के बारे में कैसे सिहोको को बताएंगे, क्योंकि यार अभी तक अमाने ने अपने रिलेशनशिप के बारे में अपनी मदर को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया है। और सिंस ये दोनों अमाने के होम टाउन जाएंगे, तो जाहिर सी बात है अमाने की मदर को इनके हरकतों के वजह से पता चल ही जाएगा कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। सो यार उससे बेटर है कि पहले ही अपने रिलेशनशिप के बारे में ये दोनों सिहोको को अच्छी तरह बता दें। एंड नाउ अब तुम सोच रहे होगे कि अमाने और माहिरू अपने रिलेशनशिप के बारे में सिहोको को कैसे बताएंगे, एंड अमाने की मदर का इस पर रिएक्शन कैसा होगा। तो यार ये तो तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चल पाएगा। सो या अगर नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।